बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। नमस्कार, बंग आवाज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं श्वेता पांडे। शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जब उद्योग में हो दुर्घटना तो होती है जमकर राजनीति, लेकिन राजनीति हो गई है अराजक, बदल गई है गुंडागर्दी में। बंगाल की ये जमीन पीछे छोड़ने लगी है यूपी, बिहार और मुंबई को भी। आलम यह है कि वामपंथी प्रदर्शनकारियों को समेटना पड़ा पुरिया बिस्तरा और भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल को घुसना पड़ा कंपनी निदेशक के केबिन में। जामुड़िया के गगन स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री में हुई दुर्घटना, लेडल में विस्फोट होने के कारण छिटक गया लिक्विड लोहा और एक श्रमिक की हुई मौत, 5 हुए घायल। प्रबंधन का दावा है कि मृत श्रमिक का कोई संबंध नहीं है दुर्घटना से। उधर स्थानीय विधायक के पुत्र ने उद्योग परिसर में जमकर मचाया तांडव, कुंडई का किया नंगा नाच। कहने की बात नहीं है कि विधायक है सत्तासीन तृणमूल के नेता। जी हाँ, विधायक है हरिराम सिंह और पुत्र का नाम है प्रेम पाल सिंह। ट्रेड यूनियन के नाम पर लिखी गई नई कहानी। नाम आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। खुला ऊपर माल फेंक दिया है। अच्छा, उस समय आप लोग कितना आदमी थे वहाँ? सब 10-15-20 हुआ। तो कितना इंजर्ड हुआ, कितना घायल हुआ? 4 यहाँ है, 2 सीरियस है, दुर्गापुर में है, वो बहुत दुर्घटना उसका खराब है। उसे कोई नहीं था, सिर्फ कर्मी लोग था, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता कुछ थे और आप लोग थे मीडिया। आप लोग जब मेरा जैसे वीडियो करते करते आप लोग जा रहे, अचानक से एक लड़का आ गया, एक कम उम्र का लड़का, आके आप लोग के ऊपर बहुत बदतमीजी से व्यवहार करने लगे, जैसे आप लोग उनका पेड वर्कर है। और मुझे तो ताज्जुब लगा कि कहीं कौन है ये। तो मुझे जानने को मिला कि यहाँ का जो विधायक है उनका बेटा है। तो उनका बेटा का कैसे ये हिम्मत हुआ, और नहीं तो क्या उनको क्या माने परवरिश कैसे हुआ है कि वो नहीं जानते हैं कि एक महिला, एक जनप्रतिनिधि, एक विधायिका आ रहे है, उसके सामने आप करके क्या दिखा रहे हैं। और उसके बाद 1 घंटा बाद 2 बजे टीएमसी लोग आते हैं। तो मेरा प्रश्न है, कल शाम को, कल रात को जब घटना हुआ तब आप लोग कहाँ थे? विधायक पुत्र की भी समस्या होने मानुष मारा गया, छोटा लोग घायल होने प्रस्तुति सब सीखे व्यवस्था कर যা লাগবে সব ব্যবস্থা আমরা করার জন্য আছি, যা লাগবে। এই যে একটু আগে মিডিয়ার কাছে বাধা দিচ্ছিলেন, এটা কি কি বলবেন আপনি? আমি, আমার নাম প্রেম পাল সিং, আমি সাধারণ সম্পাদক পশ্চিম বর্ধমান জেলার টিএমআইসি আর এমএলএ রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমার লোক কথা মারা গেছে, জান আপনি কথা করুন। নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে এবং সেই ত্রুটিকে আমাদের যাতে মানুষের জীবন ভবিষ্যতে না যায় সেজন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। 8 ঘন্টার কাজকে 12 ঘন্টা করা হচ্ছে। নিরাপত্তা নেই, নিরাপত্তা থাকলে কি করে এরকম একটা, আমি কি বলবো, নিরাপত্তা ছিল। আপনি এই বিষয়টা দেখবেন একদম? আমরা আমরা দেখছি, আমাদের জেলা সভাপতি উনি ঢুকছেন, বিধায়ক সাহেব বাইরে ছিলেন উনিও ঢুকছেন, হ্যাঁ ওনারা দেখবেন। তার মৃত্যু হয়েছে, তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং সেই ক্ষতিপূরণের অঙ্কটা আমরা 25 লক্ষ টাকা দাবি রেখেছি এবং তার পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে। যারা ইনজিওর তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং যতদিন না তারা সুস্থ হয়ে আবার কাজে ফিরে আসছে ততদিন সবেতন তাদেরকে ছুটি দিতে হবে। এবং অবশ্যই প্লান্টের মেনটেন্যান্স, এই মেনটেন্যান্স যাতে সময় মতো হয়, যাতে প্লান্টের মেনটেন্যান্স না হওয়ার কারণে কোনো দুর্ঘটনা যাতে না হয়। হম লোক নে বোলা জো মুআওজা
ये इंडस्ट्री में पहली घटना नहीं है इस टाइप की। हमारे जामुरिया इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर में इस टाइप की घटना पिछले भी और दिनों में हुई है। वहाँ जो मुआवजा सेटल होता है उसमें ट्रेड यूनियन बेचती है, उसमें हमारे एसोसिएशन के हमारे अधिकारी है वो बेचते हैं। जिस परिवार से जिनका व्यक्ति दिवंगत होता है उनके परिवार के लोग रहते हैं। तो ये तीनों चारों संस्थाएं आपस के अंदर में मिल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर कर करके, और ऑफिशियल डिपार्टमेंट भी लेबर कमिश्नर के डिपार्टमेंट भी रहते हैं, वो सब मिल करके वहाँ पे सेटल होता है। जो सेटल होता है वो दे दिया जाता है। एम्बुलेंस रहेगी सेफ्टी के लिए, उनको हेलमेट दिया जाता है, जूते दिए जाते हैं, हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं, जहाँ जहाँ पर जो जिस जगह पर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल दिए जाते हैं। राजनीतिक जंग के बाद भी नहीं हो सका फैसला मुआवजे का। फैसला होगा 18 दिसंबर को, लेकिन इस घटनाक्रम ने कामगारों के मौत पर लिखा इतिहास का काला अध्याय, जहां मर गई मानवता और नैतिकता, गुम हो गए सुरक्षा के मुद्दे, रह गई तो बस दबंगई और वर्चस्व का आतंक। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें एक्स और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।